है ठीक है, या जिनका क्लियर होने जा रहा है, मींस के अभी आप लोगों का रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह को 1 अक्टूबर के मिड में आ जाएगा या लास्ट में आ जाएगा। तो और आप लोगों की अगर 45% बनती है, 45% बनती है तो आप जो है BS अकाउंटिंग और फाइनेंस में पढ़ सकते हैं। बच्चों ये 2.5 ईयर्स है और ये 5th सेमेस्टर है ठीक है। अब आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने क्या है, 2 साल डिग्री क्लोज कर दी गई है। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपको 5th सेमेस्टर में ही एडमिशन मिलेगा ठीक है। लेकिन इसमें मसला ये है कि आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, रेगुलर जाना, सर दर्द, घंटे का सफ़र, फिर आके इतनी थकावट, फिर आपसे पढ़ा नहीं जाना, और वैसे भी वहाँ पर आपको खुद स्टडी करनी पड़ती है, कोई आपको मुकम्मल तौर से गाइड करने वाला नहीं। लेकिन अगर आप जो है AIU के ज़रिए करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है और आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। बच्चों देखिए AIU का जो इन्होंने सिस्टम बनाया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मसला ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को फॉलो नहीं करते और क्या करते हैं, पढ़ते ही नहीं है, लास्ट में आते हैं तो अपनी असाइनमेंट्स भी किसी को देके पैसे देके बनवा लेते हैं, खुद से कुछ आता नहीं है, और एग्जाम्स पे जो नंबर फिर आते हैं ना, तो ले तो लेते हैं लेकिन उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे किसी भी नंबर का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको पता ही नहीं कि चीज़ कैसे होनी है, क्लियर हो गया। तो इसलिए जब भी आप नॉलेज रखें तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ताकि आप किसी को बता सकें, समझा सकें कि ये चीज़ें। तो फाइनेंस की हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह 1 जुलाई से, ये देख लें 1 जुलाई से पेड क्लासेस है, और याद रखें ये BS की क्लासेस हैं ठीक है। और यहाँ पर जो फीस है बच्चों फिक्स है, यहाँ पर अगर कोई आके ये कहता ना कि हम इस तरह डायरेक्ट ब्लॉक, आपको अगर अंदाज़ा नहीं है, आप बाहर जाके किसी BS का एक सब्जेक्ट पढ़े तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितना आपको जो है चार्ज करेंगे। भाई टाइम देना आपको, इसमें सारा काम कवर करवाना है। अब इसमें क्या है कि कुछ लेक्चर्स वीडियो होंगे, कुछ लाइव होंगे, नोट्स भी मैंने क्वेश्चंस आपको खुद प्रोवाइड करने, आपको कोई टेंशन ही नहीं होनी कि कहाँ से याद करना, कहाँ से याद नहीं करना, सारा काम मैंने आपको प्रोवाइड करना है। ये देखें जी, ये आपकी टोटल जो है 6 बुक्स है 1st सेमेस्टर में, और ये इनके कोड है, कमर्शियल जराफिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस फाइनेंस है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, और मनी बैंकिंग फाइनेंस और ऑडिटिंग है ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके नॉलेज से पढ़ेंगे तो बच्चों आपको बहुत अच्छा समझ भी आएगा, और ये वाकई डिग्री आपकी वैल्यूएबल बन जाएगी। BS का जो है वैल्यू का स्कोप भी है। फाइनेंस इकोनॉमिक्स तो हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, 1st सेमेस्टर्स के पेपर हो रहे हैं, तो सेकेंड इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। तो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ना है बच्चों, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन है, सिर्फ वही बच्चा पढ़ सकता है जो है रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। कोई भी स्टूडेंट 2 नंबरी करता पकड़ा गया, फौरी उसका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, और अब तो ज़्यादा रूल सख्त कर दिए हैं ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो कमर्शियल जराफिया है, थ्योरीज हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, आगे भी सब चीज़ें आएंगी। तो ये सब चीज़ें जो है आप जब यहाँ पर पढ़ते हैं ना तो आपको किसी किस्म की भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि नोट्स वगैरह सब चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी होती है ठीक हो गया। और चाहे BCom के बच्चे हो, ICom के हो, या किस लेवल के बच्चे हो, तो ये सब चीज़ें आपके सामने ही है, क्योंकि यहाँ पर हमने काम बच्चों स्टेप बाय स्टेप करवाना है। हमारे पास कोई इतना फ्री टाइम नहीं है कि हम बच्चों को भी पागल बनाएं, उनका भी टाइम ज़ाया करें। तो ये इंशाल्लाह 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, इनका हम ग्रुप बनाएंगे, और ये ग्रुप बच्चों आपका बनेगा टेलीग्राम में, और ये जो ग्रुप है ये भी पेड है। जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए आएगा, पूरा प्रोसेस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, तभी चीज़ें प्रोवाइड की जाए। क्योंकि आजकल बड़ी 2 नंबर ही हो रही है ना, कि एक को काम तो आगे से शेयरिंग हो जाता है। तो हमने अब ये बताया है कि तरीका कि इसी तरीके के तहत आपको पढ़ाना है ठीक है। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसे नहीं पढ़ना फिर उसने ड्रामा ही करने हैं। तो ये इंशाल्लाह जो है हमारी 1 जुलाई की क्लास स्टार्ट हो रही है, एक आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने काम स्टार्ट करवा देना है मुकम्मल तैयारी पे। मैंने आपको पहले ही बता दी यहाँ पर हर चीज़ फिक्स है, किसी किस्म की बहस की गुंजाइश नहीं है। इसलिए अगर कोई बच्चा ये बना के आता है इतना उतना कोई नहीं, ये BS लेवल है, मैंने पहले भी कहा था BCom लेवल, BS लेवल पे यहाँ के आपके चार्जेज जो है बच्चों ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जब आप लास्ट में आते हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। हमने आपको सेपरेट टाइम देना है, हमारा काम यहाँ पर रहता है, जब आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको लगेगा वाकई आप फिज़िकल क्लासेस ले रहे हो ठीक है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बच्चों को नहीं पढ़ाते, पूरा काम करके बताते हैं ठीक है।